नमस्कार, मैं सतबीर चहल, किसान न्यूज अन्नदाता की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है हरियाणा के उप प्रधान बिल्लू खंडा, करते हैं कुछ किसानों के बारे में वार्तालाप। नमस्कार जी। किसान ऐसा है, मैं काफ़ी कल से लग रहा हूँ, दो तीन दिन हो गए मंडियाँ का दौरा कर लग रहा हूँ, और जो सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है इसकी 38 से भी संपर्क कर, किसानों से भी संपर्क कर लग रहे हैं। जो ये सरकार ने नीति बनाई है, ये जो बहुत गलत नीति बनाई है, किसान की 40 क्विंटल गेहूँ खरीदी जाएगी, इतने क्विंटल सरसम खरीदी जाएगी, 28 किलो सरसम लिख रखी है किसानों की, और किसानों की बहुत दुर्दशा है। मैंने पूछा भाई, जो चीज़ की पॉलिसी बनाने लग रही हैं, क्या जो सब पॉलिसी बनाने वाला को खेती करता है? कोई खेती करने वाला तो नहीं होती, खेती का पता ही नहीं, कोई क्या तकलीफ है, खेती कैसे फसल जाओगी, कैसे बेची जाएगी, कैसे होगी। ये सरकार जो से 7-5-4% जो आदमी हैं, ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं और किसान के ऊपर थोपते हैं। अगर भाई इस ढंग से सरकार इसलिए बनाई जाए कि भाई आम आदमी की सुविधा, सुख सुविधा के लिए कोई तकलीफ ना हो, सरकार तो इसलिए बनाई जाए, सरकार इसलिए थोड़े बन जाए आम आदमी को तकलीफ दो। आज एक किसान के डुआई का और एक गेहूतराई का जो सा गामा मतार लग रहे हैं, एक आदमी का 2 किला 2000 का नुकसान है एक एकड़ का, और इनकी अपनी पॉलिसी बना दी। भाई पॉलिसी बनाते तो आप किसान के बीच में बैठते, आड़ती ने भी बीच में बैठाते और किसान ने भी बीच में बैठाते कि भाई मतलब आपकी सुख सुविधा कैसे हो सके, आपकी फसल आराम से कैसे बिक सके, आपने तकलीफ कैसे नहीं हो, किस बात से मिटेगी, आपने वो सुविधा आपके लिए लागू करेंगे। सरकार की गलत नीति है, सरकार की एक नीति है कि भाई दो इजात रखना चाहती है, सरकार की एक पॉलिसी है, या गरीब या अमीर जो भी चला तबका जो मेरे समाज को चला रहा है, चाहे आड़ती का सिस्टम से, क्योंकि हम 80% आदमी किसान आज भी आड़ती के जुड़ा है, आड़ती बगैर हम बीज भी नहीं ले सकते, और ये आड़ती को दूर करना चाहते हैं। फिर इनकी ये सरकार ने ये नहीं पता कि मतलब आड़ती के बजाय आड़ती के अलग अलग साथ साथ में एक और चीज़ मारा, एक स्वार्थ और जुड़ा है उसमें, क्योंकि साल हरियाणा सारा देश की तो जो दूसरी बात है, पंजाब दूसरी स्टेटा की, हरियाणा की मैं बात करूँ, 2 लाख लगभग आड़ती हैं, और उनका 10 लाख आदमी काम करते हैं। 10 लाख आदमी अगर आड़ती को फैल कर लग रही है सरकार, तो 10 लाख आदमी बेरोजगार होंगे, वो बेरोजगार कहाँ जाएंगे? जो मुनीम लग रहे हैं, लग रही है, वो कहाँ जाएंगे? वो मुनीम ये कर सकते हैं जो इसी चीज़ की जो सी करनी है, वो खेत में हल थोड़ा जोड़ सकें, वो मजदूरी थोड़ी जोड़ सकें कर सकें हैं। तो ये चीज़ सरकार की नीति है, गलत पॉलिसी है, सरकार ने तुरंत प्रभाव से ये वापस लेना चाहिए जो ये कानून बनाए हैं, और किसानों ने बैठ के, उन किसानों ने जो किसान का पता है, अच्छे बड़े बड़े किसान जो से जमींदार जीती पता है क्या तकलीफ और क्या हुआ है, उन किसानों ने जो से दफ्तर में बैठ के जो से मेरे वर्गे भी लीडर बनते हैं, वह किसान का मैं लीडर हूँ, यूनियन का हूँ, अकबर फलानी हूँ, तकलीफ पूछो कि मतलब मैं तो उस राजनीति के गलत जुड़िया स्वार्थ में, और घने आदमी हमारे यहाँ एक आध तक चाहे यूनियन के हो, चाहे किसी चीज़ के, किसी समाज के गलत है, गाँव में मेंबर बना दे तो सरपंच, वो सारी राजनीति करते हैं। मेरी एक तो किसानों से प्रार्थना है कि भाई राजनीति ने छोड़ दो, और जो हमारा गलत हो सरकार, ये 5-4% जो आदमी हैं हम 5 साल के लिए जो बना लग रहे हैं, ये हमारे ऊपर कानून थोपा लग रहे हैं, हम इस कानून को नहीं माने। और ये भी मैंने अपील करी है किसानों से कि वह अपनी मंडियों में भरो, किसान की मंडी है, किसान की मंडी में अपने गाँव में खेतों में गेहूँ ना डालो, अगर कहीं आगजनी होगी तो कोई सरकार को जिम्मेवार कौन हो उसका? अगर वह अगर जब उस किसान की वह फसल जड़ गई, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? उस किसान की, वो किसान बर्बाद हो जाएगा, पला किसान बर्बाद हो रहा। तो हमने कहा कि भाई सारे किसान को मुआवजा खरीद लग रहा है, को पलड़ खरीद लग रहा है, को कर लग रहा है, ये नुकसान किसान का बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा नुकसान है, सरकार इस चीज़ की पॉलिसी बना के कर लग रही है। और हमने किसानों से अपील करी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा से अपने जाके मंडियाँ में डालो, क्योंकि वो किसान की मंडी है, किसी का कोई लेना देना नहीं। और रही सरकार की कि भाई ये जो चीज़ की एक बहुत थोपल लग रही है किसान के ऊपर, आड़ती के ऊपर, उन चीज़ों की ये पॉलिसी थोपल आ रही, कई दिन खातर थोप हो गए, आपके हालात बुरे होने हैं, क्योंकि एक दिन मारकाट की तरफ आप जाति के आधार पर इन चीज़ों पर मारकाट तो आप मुँह मचाने लग रहे हो। अरे पैसे अकबर हम आड़ती को टैक्स देते 8,40,00,000 रुपये मतलब पैसे देने पड़ते हैं, ये सरकार का उसमें हुआ है। मैं पूछता हूँ सरकार कहाँ से लाती है? सरकार आप हमारे से तो पैसे लेती है, हमारे पैसे हमारे को देती है, तो क्या तकलीफ है? सरकार ने क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है सरकार ने? भाई टैक्स कहाँ से, पैसा कहाँ से आओगे? जब हमारे दी देने लग रही तो पैसा तो हमारा है। और इन लोगों का गलत फहमी है, किसान के भी मजदूर के भी, अगर बस सरकार फ्री में दे लग रही है, फ्री में दे लग रही है, वो हमारा सौदा है, हमारे को दे लग रही है, तो मतलब उस चीज़ का सरकार का इस राजनीति का एहसान की है? प्रधान जी, किसान मंडी में लेकर जा
अपने गेहूँ, लेकिन उसको ये आड़ती नहीं लग रहे। नहीं, मैंने आड़ती से भी बात करी है और आड़ती भी ना मानेंगे, जब भी हम मंडिया में किसानों ने कहेंगे कि भाई अपनी मंडी में क्यों डालो। तो मार्केट कमेटी का जो सेक्रेटरी है चेयरमैन, ये कहना लग रहे भाई आप कौन होता है मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी? उसके बाद मतलब आप मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी, किसानों ने नौकर लगा रखा है, किसान उसकी तनख्वाह देते, किसान को सुविधा कैसे होगी, वो असुविधा उनका काम है, जिम्मेवारी उसकी तैयारी करना। अब किसान को तकलीफ ना मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी इस बात के लिए बैठा रखे ना कि मत हमारे ऊपर को कानून थोपड़ खातर, ठीक है ना, कानून थोपड़ खातर नहीं बैठा रखे, हमारी सुविधा खातर बैठा रखे है। क्यों करेंगे, पुलिस है, पुलिस हमारी सुविधा खातर बैठा कर रखे ना, क्या हमने तकलीफ देने खातर, हमारे लठमान खातर थोड़ी है, हमारी सुविधा खातर बैठा रखी है। 15 तारीख को सरसों आई थी पंगाल गाँव की, सारी रात किसान ने मच्छर खाए गए, एक दाना भी नहीं खरीदा। अगर कोई चीज़ का पॉलिसी, ये पैसे लेते हैं, भ्रष्टाचार है। आगे से अगर जो 7 साल बाद है कोई चीज़ का, मेरे बरगा चाहे कोई व्यापारी है चाहे कोई जमींदार है, अगर जो 7 साल बाद हो तो करवा देगा। आम किसान के तो दुर्दशा है, मतलब आम किसान कुछ नहीं कर सकता, आम किसान ने 3-2 का कौन पता, और कैसे फसल पे कह गिरी आड़तिया का तरू, ऋण का तरू मारी पे कहे। जो मार्केट कमेटी के ये किसान को गलत तरीके से, और ये अपना आपको अगर जो मालिक समझो तो ये मालिक नहीं है ना कोई, अगर जो कोई मुख्यमंत्री कहता हो चाहे कोई उप मुख्यमंत्री कहता हो चाहे मुख्यमंत्री कहता हो, ये मालिक नहीं है, मालिक तो प्रजा है। और प्रजा ने कैसे, तो अगर जब प्रजा ने तकलीफ होगी तो वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। क्यों के मतलब राजा ही प्रजा है। एक किसान ने कहना है ऑनलाइन करो रजिस्ट्रेशन, लेकिन किसान अनपढ़ है, तकरीबन 90% अनपढ़ है, उसको ज्ञान नहीं। हाँ, मैं तो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पैसे लूट लग रहे हैं, जो से ऑनलाइन करे हूँ, हाँ पैसे लूट लग रहे हैं, हम किसान के ऊपर कर लग रहे हैं, ये 50-50 के 200-200 400-400 रुपये भी लग रहे हैं, उन चीज़ों का कर लग रही है यार, पता ही नहीं, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार पर तो जिम्मा पर कहीं तहसील में थाना में कहीं भी जाओगे तो बगैर पैसे तो कोई काम नहीं बनता। अगर कोई भी किसान को कोई आम आदमी जो साधारण है, हम अफसर के द्वारा जाते हैं DC मिलता नहीं, SP के द्वारा जाते हैं SP मिलता नहीं, अगर जब वहाँ मिलते हैं जहाँ धौस दिखानी होती है। कल मंडी में नानंद मंडी में SP साहब आए उसके साथ, क्योंकि SP साहब का कानून व्यवस्था बनाना काम है ना, कि मतलब मंडी में उतनी पता नहीं वो खरीद कैसे होगी, क्यों होगी, कैसे तकलीफ है, SP साहब ने उस बात की नॉलेज नहीं, ना DC, ना तहसीलदार, ना SDM, कोई भी उसका गला अधिकारी नहीं, क्योंकि SP साहब मंडिया में क्यों जाते हैं, अगर वह किसानों के ऊपर दबदबा बनाने खातर और उसका किसानों का डर बैठाने खातर, इसलिए पुलिस SP साहब मंडिया में जाकर दबड़काओ किसानों का, धमकी दो, और ये इस चीज़ की नहीं मानेंगे, और कह देते दो कि कितनी आप फोर्स ले रहे हो और कितना के ले रहे हो, ये पब्लिक भड़केगी, और पब्लिक भड़केगी इस राजनीति का, और इस या जो या गोदी मीडिया जो चीज़ की जाति के ऊपर ये जो चला रहे ने अगवा फलाना, क्योंकि जाति के आधार पर ये करते हैं कि मैं भी जो रोड़ा हो हिंदू मुसलमान का और भारत पाकिस्तान का, इन चीज़ों से बाज आज सरकार ये चीज़ चला नहीं करती, काट की हंडी एक बजट आएगी बार बार नहीं चढ़ती, इस सरकार ने इसका जवाब देना पड़ेगा, और इनके छिंदरे पाटेंगे, एक दिन ऐसा होगा आप नोट कर लेना, राजनीति आने पीटेंगे, गामा में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई सरकार है भाई किसान फसल लेके आऊगा, सोशल डिस्टेंस है, इसमें थोड़ी दिक्कत ऐसा है, ये भी एक पॉलिसी खान की बना रहे हैं ना, क्योंकि राजनीति कहाँ से, तो मतलब ये एक MLA बना देता और बापति हो जाता है, अच्छे फार्मा मालिक हो जो है ये कहाँ से आए हैं कि वे जो सरसम की नमी की बात करें हैं, कोई भी सरसम का तेल ऊन नहीं करता, उसमें पानी डाला जाता है, अगर जब ठीक है ना नमी करी जाती है उसमें जब उसका तेल निकलता है, ये तो हमने मिसगाइड कर रहे हैं, अगर सरसम में नमी तो होगी तो तेल निकलेगा, अगर नमी नहीं होगी तो उसमें पानी डालना पड़ेगा, डालते हैं। हाँ, ये तो पॉलिसी हमारे खान खातर और मानो ठगन खातर काटा काट लिया और इन चीज़ों का कर लिया, सरकार की गलत नीति है, सरकार की किसान के प्रति कोई नीति नहीं है, किसान को मारना चाहती है। अरे बराबर उस मनरेगा कैसे चलाओगे आप, किसान ने मजदूर नहीं मिलता, अगर गारंटी एक भी कहीं मजदूर नहीं मिलता, मनरेगा में जाके अगर उस चीज़ का करोगे क्यों नहीं, आप कृषि का गला जोड़ देते हो, खेत में काम करो आपने, क्योंकि मैं तो आधे पैसे तो सरकार देगी, आधे पैसे किसान देगा, अगर जो खेती में काम करवाओ, फिर इस देश ने भूखमरी पे लाना चाहते हैं, दूसरे का गुलाम बनाना चाहते हैं, चीज़ मारे हैं और बाहर से मंगाने लग रहे हैं।
ठीक है, इन चीज़ों का हमारा गुलाम हो गया, हम आज़ाद नहीं। आज कोई अपना अपने किसान आज़ादी मानना क्या, किसी राजनीति अगर लगे किसी एक राजनीति ने भी किसी का भला कराया हो, मैं गारंटी देता हूँ अगर किसी वर्कर का नौकरी लुवा दिया, नौकरी तो मारा के लुवा दिया, सिपाही लुवा दिया, मारा चपड़ासी कलर्क लुवा दिया, और इससे बल तो मारा कोई नहीं, क्या क्या नौकरी लुवा दिया और लिया हुआ कहते उसका ऊपर ना मारा नहीं, मेरा नहीं तो दूसरा का लागे, का लागे तो गाय लाना तो पड़ेगा। तो इन चीज़ों की इनकी पॉलिसी गलत है, सरकार ने बैठ के इस चीज़ का करना पड़ेगा। इस देश के आम नागरिक का देश का पहला हमने उस चाहिए अगर देश का विकास कैसे हो, देश की तरक्की कैसे करे, ये तो देश ने बेड़ा कर करना पर लग रहे हैं। जाति का हिसाब किताब जाति का हिसाब किताब करेंगे तो मतलब हमारा आपस में मनमटाव होगा, कहाँ चलाओगे हम तो इनकी चाहिए तो मेल करके सारे सारा भाईचारा बना के चलो, सारी चीज़ के चलो, ये हमारी आटो पार्टी करें, हर किसी जात के ऊपर कोई रीजन हो अपना मिले, क्योंकि उस हरी न कौन देखता जो गरीब है, और उसके जाट अगर जो उस जाट ने कौन देखता जो जाट गरीब है, वो नफरत करते हैं इन आदमियों की। देखो इतना एक और भेदभाव, आपकी इज्जत मर मेरी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी इज्जत तो चरण की नहीं और तेरी कई करोड़ की, अगर जब तेरा कोई मैं तेरे ऊपर लंच लाऊ तो तू तो 10 करोड़ की माना नहीं डालेगा, अगर जब मेरी होगी तो मेरी इज्जत है ही नहीं। और मैं इनको भाई इज्जत तो आम चाहे गरीब आदमी है चाहे कोई अमीर है चाहे कोई किमी, इज्जत तो सारे ही बराबर है। अरे अगर जब डंडा किते भी माना नहीं करो और किसी चीज़ का तो 100 रुपये का डंडा गरीब का, जो 100 रुपये का उसका पैसे का बलबुद्धा पर भी इज्जत मान सम्मान उसका फल तो हो गया, पैसे का हिसाब किताब सिर्फ सिस्टम के हिसाब से हमारा तो बहुत उस सिस्टम है। और मेरी एक प्रार्थना है सारे किसानों से अगर इस राजनीति ने छोड़ के और किसान का भला की सोचो, अगर किसान का भला की नहीं सोचोगे एक दिन ऐसी दुर्दशा होगी, क्योंकि हमारी आज की में तो हो रही है, हमारे कहीं भी कितना बढ़िया खेती करता हो हमारे बच्चे आगे रिश्ते नहीं होते, ठीक है चाहे कितनी है। और एक चपड़ासी लग जाए पला हमारा का अगर दे उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी, आज नीच किसान अगर जब खेती करता है जो किसान उसका बेटा का को रिश्ता करना तैयार नहीं, किसान का बेटा जो सा खेती करता हो खेती करनी है कि नहीं होता क्यों नहीं करता रिश्ता, अगर बहुत ही बेर अगर छोरी काम का टोटे पिटा होगी इसमें चरण्य की आमदनी नहीं, टोटा है खाम का टोटे पिटा होगी और चपड़ासी होगी तो वह मौज मारेगी। तो मेरी सारे किसानों से प्रार्थना कि हमने इन चीज़ों का एकता करके आपस में ना फूट करके आपस में भाईचारा बना के, और इसी चीज़ जो राजनीति गंदी राजनीति जो सी काले अंग्रेज जो सी हमारे ऊपर थोपड़ लग रहे बगैर कानून का, क्योंकि उस चीज़ का मैं बुलाया नहीं, किसान जो सा खेती कर रहा वो बुलाया नहीं, अपना आप कानून बनाने लग रहे हैं। जुल्म की बात तो यह है भाई खेती करनी जो सा आदमी सुविधा चाहिए उसकी क्या तकलीफ है, उसकी पूछ की उसकी दोहरा बैठा के पूछ सके तेना तकलीफ क्या है तेना सुविधा कैसे उसका है, इसलिए बना रखे थे ये हमने तकलीफ देने खातर नहीं। वो ये अंग्रेजा काम होगा, इन अंग्रेजा गला जैसे गोरिया गला हुआ था इन काला गला भी वही होगा, पब्लिक ने एक दिन करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ हरियाणा के किसान यूनियन के उप प्रधान बिल्लो खांडा, और सभी किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे साथ नया जुड़ा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ठीक है भाई, धन्यवाद जी।